लिखण पढ़न दे जिहड़े सिरजना वाले पल है ना मेरी जिंदगी दे विच बहुत देर नाल शुरू होए आ। लिखना मैं बहुत टाइम बाद शुरू किया आ, पर पढ़ना जिहड़ा आ ना वो मेरा बहुत शुरू तो ही मैनू लगता है कि मैं मेरे अंदर ही ये सब चीज़ां सीगियां। क्यों सीगियां? इहदे पिछे बहुत सारे कारण है। इहदे पिछे कारण ये है कि मैं तुहानू दसना चाहनी हाँ, या ये शायद मैं गल्लां ये अज तो पहला कभी भी किसी नाल नहीं कीतियां होणगियां, कभी किसी इंटरव्यू दे विच भी नहीं कीतियां होणगियां। मेरा जन्म जिहड़ा होया आ मेरे नानका परिवार च होया। मेरे नानका परिवार च मेरा जन्म, मतलब बहुत सारे बच्चों के नानका परिवार च जन्म होंदे आ, ये कोई अलोकारी गल नहीं है, बट मेरा जन्म जिहड़ा आ उह होर परिस्थितियां च होया। जदों मैं अपनी माँ दे गर्भ च सीगी, मेरे तो पहला मेरे दो वड्डियां भैणां सीगियां, एक मेरा भरा सीगा। मेरा दादका परिवार ये चाहुंदा सीगा कि लड़का होवे। कुछ मेरे पिता जी दे नाल मेरी माता जी दा कुछ मैनू उहदे बारे अज तक भी मैं नहीं जाण सकी कि गल्लां बातां सीगियां की नहीं सीगियां। पर जदों मेरी माँ दे गर्भ च मैं सीगी ते मेरे पिता जी मेरी माता नूं उहदे पेक्यां दे घर छड्ड गए, नानकियां दे घर। मेरा जन्म हो गया नानकियां दे घर। दादकियां वाले पास्यों जदों पता लगा भी लड़की होई है, कोई उहनूं देखण नहीं आया, अपनी ना नूँह नूं ना जिहड़ी नवजम्मी बच्ची आ उहनूं वी कोई देखण नहीं आया, कोई लैण नहीं आया। कोई हालात इस तरह दे बणे, या तुसीं कह लो या भी जां कुछ इदां ही लिखिआ आया सीगा मेरी किस्मत दा कह लो। कुछ साडी मेरे नाना जी जिहड़े सीगे, फिर उह वी उहनां नूं वी लगा कि जे उह मेरी धी नूं इदां नहीं मंजूर करदे, मेरी दोहती नूं इदां नहीं मंजूर करदे, तां मैं अपनी धी नहीं भेजणी। उहनां ने मेरी माँ नूं भेजिआ नहीं। इस तरह चलदा चलदा मतलब मैं अपने नानकियां दे ही रह गई। मेरे दो भैणां ते इक भरा जिहड़ा उह मेरे पिता जी कोल ही रह गए। माँ कहती हुंदी सीगी कि उहनूं लगदा सीगा कि अज नहीं कल नहीं परसों नहीं, किते ना किते तां उहदे मन समत पएगी कि मेरी वाइफ आ, मेरी धी आ, मैं उहनूं मैं मेल मिलाप करां, दुबारा करां। पर शायद हालातां ने उहनां नूं ये सब चीज़ां होईआं नहीं, वापरियां नहीं ये सब चीज़ां, ते मैं नानकियां दे घर ही पलदी बढ़दी रही। मेरे नाना जी ने मैनूं बहुत प्यार दिता, मेरे नानकियां ने भी बहुत मैनू प्यार दिता, पर मेरी माँ की बहुत स्ट्रगल रही है। बहुत ज़्यादा उन्होंने पेकियां दे विच रहना, फिर हौली हौली शुरू शुरू च उन्होंने भी लगता सी नानियां मामियां नूं कि अज नहीं तो कल नहीं चली जाऊगी अपने घर, जिदा अपने पिंडां च कह ही दिंदे आ भी घर बैठी ननान या जिहड़ी धी है वह भरावां दी शरीकणी हो जाती है। लाइक इदां दीआं सिचुएशनस जिहड़ीआं मैनूं बचपन च ही फिर ये सब चीज़ां दी समझ लगन लग पई भी मेरा जिहड़ा जीवन है वह आम लोगां नालों हट के आ। पिता दे हुंद सुंदिआं भी मैनूं पिता दा प्यार जिहड़ा नहीं मिलिआ। भैण भरा भी मेरे सीगे पर मैनूं उहनां दा भी प्यार जिहड़ा हैगा आ मैं नहीं माण सकी, जदकि सीगा सारा कुछ ही। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
बचपन च ही जिदा मैनू इकलपणे ने घेर लिया। मैं मेरी सिरजना की शायद जिहड़ी शुरुआत है इन्हां हालातों चों ही निकली होएगी। मैं बहुता किसी नाल गल नहीं सी करदी हुंदी। एक जिदा आपां कहिंदे आ कि असी माँ प्यो दे सिर ते बाबर के गल्लां करदे आ, चीज़ां नूं डिमांड करदे आ, असी मंगदे आ चीज़ां। मैं कदी कोई डिमांड नहीं सी करदी, जिद नहीं सी करदी किसी चीज़ लई कि हाँ मैनूं आह चाहीदा आ, मैनूं आह लिया के दिओ। क्योंकि मैनूं समय तो पहला मैनू पता लग गया, मैं मैच्योरिटी मेरे च जिदा एक बचपन जिहड़ा आ ना वह एक कह लो कि गुआच गया। बचपन नू मैं नहीं माण सकी उन्ना जिन्ना आम बच्चे माणदे आ जिहड़े परिवारां च रहिंदे आ, जिहड़े माता पिता नाल रहिंदे आ, भैण भरावां नाल रहिंदे आ। मैं वह वाला जिहड़ा फेस आ वह मैं नहीं, मेरी जिंदगी दे विच वह समझ लो कि लैस सीगा, वह है नहीं सीगा मेरे उहदे विच। ते वह उस इकलपणे ने मैनू इन्ना घेरिया कि मैनू चीज़ां नू ना सामने दिसदियां चीज़ां दे पिछे पए कारण लभण दा मेरा रुचि बन गई। हौली हौली इदां होया कि मैनू इदां लगन लगा कि कोई चीज़ मैनू लभ पैंदी सी तां मैं उहनू पढ़न लग जांदी सी। जे मैं झाड़ू मारदी हाँ, मान लो मैनू कोई कागज़ दा टुकड़ा मिल गया तां मैं उहनू चक के ना झाड़ू छड्ड के उहनू पढ़न बैठ जाणा ते कल्पना करन लग जाना, क्योंकि उहदे विच कदी कोई अद्धी कोई चीज़ हुंदी सीगी ते मैं उस खबर नूं या उहदे विच कोई छपी कहानी नूं मैं अद्धी छपी नूं पढ़ लैणा ते बाकी अद्धी छपी नूं ना कल्पना च लिआउणा, कल्पना करन लग पैणा कि इस तों बाद की होया होएगा, इस तों बाद की होया होएगा। ये कल्पना जिहड़ी आ हौली 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 मैनूं पढ़न वल रुचित करन लग पई। अच्छा, उस टाइम दे विच मैं जदों 8वीं 9वीं च पढ़दी सी मैनूं ये नहीं सी पता भई पढ़ना की आ, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं सीगी। किसी दे घरों कोई अद्ध फटिया जिहा नावल मिल गया तां मैं उह लिया के पढ़ना शुरू करता ते मैनूं रुचिकर जिहा लगा कि मैनूं ये चंगा लगा। उस तो बाद हौली हौली कदी कितों कि कोई मिल जाना, कुछ भी मिल जाना तां मैं पढ़ना शुरू करता। फिर मैनूं एक वारी पता लगा कि नावल किराए ते भी मिलदे आ। मैं बस स्टैंड तों जाके किराए ते नावल, मतलब साढ़े खानदान च ना अखबार भी साढ़े घर नहीं सी कदी भी आई, किताब पढ़नी तो बहुत दूर की गल है। तो कोई ना पढ़ता सी ना लिखता सीगा, साड़ियाँ सत पुश्तां च किसी ने मैनू नहीं लगता कि कभी कोई किताब पढ़ी होगी या कुछ भी है। इस करके मैं कहनी हुनी है कि हालातों ने मैनू इस तरह का बना दिता। तो मैं वो किराए ते नावल लिया के पढ़ने शुरू करते। 50 पैसे एक दिन का किराया हुंदा सी ते मिलदे भी मैनू 50 के पैसे हुंदे सीगे, वो मैं नावल ते खर्च देने। तो इन्नी स्पीड बन गई मेरी पढ़न की कि सवेरे लिया के शाम नू मोड़ भी आना, क्योंकि 50 पैसे तो ज़्यादा पैसे ना देने पैण। फिर इदा ही करते 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 बहुत समझ लो गुलशन नंदा दे नावल, राजवंश, राजहंस, मतलब नहीं पता सी कि पढ़ना है, जो कुछ मिल जाना मैं पढ़ती रहना। फिर वो फिर मैं हौली हौली थोड़े जिदा खर्चे लिए जोड़े पैसे मिलने, फिर मैं खरीदन लग पी नावल, खरीदन लग पी। वो मेरी घर घर के माहौल सगा कि ये नावल पढ़ने वाले जोड़े न्याणे होंगे खास करके कुड़ियाँ बिगड़ जा। मैनू खिताब मतलब मिल गया उन्होंने दिनों से भी ये बिगड़ी बिगड़ी लो, ये तो ये नहीं, यदा नहीं मतलब ये सही नहीं रहना, इन्हें इन्हें बिगड़ जाना है, ये तो नावल पढ़ती है किससे पढ़ती है, ये अदा करती उदा करती है। मतलब मैनू 2-4 बारी अपनी माँ तो कुट भी पई इन इस पढ़न के मामले के। एक बार वो मेरे खरीदे नावल नूवल जोड़े से ना इकट्ठे करके मेरी मम्मी ने सारे चूल्हे च पाते, तो बस तीली लगा ही लगे, कहते अज अग ला देनी तेरे नावलों नू, तू पढ़ाई वाली किताबा तो पढ़ती नहीं, आ कुछ पढ़ती रहनी है। मैं मिन्नता मुन्नता कीतियां भी चलो तुम कहने तो मैं नहीं अज तो बाद पढ़ूंगी, पर तुम इन्हों ना साड़ो पे रहन दो। चलो उन्होंने मान लिया। फिर मैं थोड़ा क चिर दूरी बना ली, फिर मैं पढ़ाई 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 में मैं लायक सी पढ़न, होशियार सी मैं पढ़न च, ते वो सारे काम करन तो बाद पढ़ाई तो भी बाद फिर मैं ये पढ़ती हुंदी सी, पर उन्हां नूं लगदा सीगा कि ये टाइम वेस्ट आ, होर ज़्यादा पढ़े। 10वीं कर ली मैं, फस्ट डिवीज़न च 10वीं उन्हां वेलियां दे विच फस्ट डिवीज़न 10वीं पास करनी बहुत उत्तम मन्निया जांदा सी, चंगा मन्निया जांदा सी। फिर हायर सैकेंडरी कीती, फिर मैं कॉलेज BA फस्ट ईयर च दाखला लै लिया। तो उस तो उन्हां दिनां च फिर मैनूं थोड़ा जिहा मतलब किसी ने कहा कॉलेज दे विच भी ये जिहड़े तू सड़क छाप चीज़ां पढ़दी आ ना ये ना पढ़िया कर, तू चंगा साहित पढ़िया कर। मेरी जाने बला चंगा साहित की हुंदा मैनूं तां कुछ पता नहीं सीगा। मैं उन्हां नूं उद्दे पुछिया, मैं कहा चंगा साहित की हुंदा आ ना, वो कहिंदे नानक सिंह दा नावल पढ़ी,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਨਾਵਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਨਾਵਲ ਨਾਸੂਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਨਾਸੂਰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਚੀਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੜਕ ਭੜਕ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਅਤੇ ਅਸਾਹਿਤਿਕ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀ ਏ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਇਨ 6 ਮੰਥ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੱਕੀ ਜੋਬ, ਕੋਈ ਐਡਹੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਜੋਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 19ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਹੀ। ਬਟ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿੱਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਦ ਚਾੜਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਚੰਦ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੱਕ ਯੇ ਵੋ ਪੱਗ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਉਛਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰੇ ਪਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਮਤਲਬ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਆ, 12 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ 7 ਬੰਦੇ ਅਤੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਲਾੜਾ। ਵਿਆਹ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਹੋਏ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜੋਬ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀ ਏ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਨਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ, ਬੀ ਏ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ
फाइनल तक मेरा पहले दर्जे च मैं अपनी बी ए भी कंप्लीट कर ली। तो फिर थोड़ा जहा मैं ब्रेक ले ली, जॉब दे चलदियाँ भी थोड़ा जहा लगता सीगा कि घर नू टाइम देना है या बच्चों नू टाइम देना है। दो तीन साल मैं इदा ही कर दते। फिर वो कहिंदे तुहानू मैं कहा सीगा रुकना नहीं गा, तू रुक क्यों गई? आप लिया के फॉर्म मेरे सामने, किताबा मेरे सामने उन्होंने रख दित्तियां ते एम ए दे मेरे पेपर भर दिते, फीस भी उन्होंने जमा करवाई। मैं कहा कोई नहीं, फीस तो मैं जमा करा सकती। कहिंदे नहीं तू तू बहाना ना मार सके कि देर लंघ गया या डेट लंघ गई या कुछ भी है। फिर मैं एम ए पंजाबी दी पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो प्राइवेट तौर पर की। फिर मैं दो तीन साल का फिर गैप पा लिया इदा ही करते करवाते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुसी पी एच डी वास्ते भी मतलब अप्लाई करो, वो चलो वो लंबा चौड़ा प्रोसैस चलिया, पेपर दिता नैट का पेपर दिता, पहले हले मेरा वो क्लीयर हो गया। तो उदो शुरुआती दौर से मैं ये लगता सगा कि ये सब कुछ करके मैं अपनी ये वाली जॉब छड़ के कोई होर जॉब मतलब जड़ा है एजुकेशन च मैं चली जाऊँगी। बट वो फिर कह लो कि ये मेरी परमानेंट जॉब सी, जिदा भी जॉब दियाँ होंदिया सगिया गल्लां बातां तो वो फिर एडहॉक तो रखते सीगे, तो मैं फिर सैलरी च लॉस बहुत हुंदा सीगा। तो वो भुपिंदर मैडम दे ही चलदियां मैनू फिर दोबारा तो मैं पढ़ाई जड़ी साहित्यिक रुचियां मेरिया जड़िया फिर तो जागृत हो गई। उन्होंने घर बहुत वड्डी लाइब्रेरी सीगी, बुक्स मैं उन्होंने घरों लियांदी रही, पढ़ती रही, करती रही। वो मैं लिखण लिए भी प्रेरित करते सीगे कि तेरी जिंदगी दे विच इन्नियां चीज़ां आ, तेरे इन्ने अनुभव आ, तू विचरदी आ, तू जॉब ते जानी आ, क्योंकि साडी जॉब भी इदां दी आ कि असीं फील्ड जॉब दे विच बहुत सारे लोगों नूं मिलदे आ। जो असीं बहुत सारे लोगों नूं मिलते हैं तो साडे अनुभव जिहड़े हैगे आ वो बहुत सानूं तरह तरह के अनुभव होंदे आ, तरह तरह के लोग सानूं मिलते आ, अलग अलग तरह के मरीज़, अमीर गरीब, औरतों के नाल साडा सिद्धा वाह हुंदा, औरतों दीआं मुश्किलां दे नाल साडा सिद्धा वाह पैंदा आ। तो मैं औरत मन नूं होर ज़्यादा नेड़े तो मतलब पढ़न दी उन्हां दीआं समस्यावां देखण दी पढ़न दी कोशिश कीती, आले दुआले जो वापर रहा हुंदा आ उहदे पिछे की कारण हैगे आ, क्यों औरतां दी स्थिति इस तरह दी आ, क्यों दुजैले स्थान ते रखिया जांदा आ उन्हां नूं, या इदां दीआं परिस्थितियां। पढ़ियां लिखियां औरतां नूं भी मैं बहुतियां नूं देखिया है कि जॉब करदियां औरतां दे भी ATM कार्ड जिहड़े उन्हां दे हसबैंड दे कोल हुंदे आ, वो अपनी मर्जी नाल पैसा नहीं खर्च सकदियां, अपनी मर्जी नाल कितें आ नहीं सकदियां, जा नहीं सकदियां। ये सब चीज़ां ने मैनूं बहुत ज़्यादा अंदर तक हलूणिया। तो मैनूं मैनूं लगा कि मैनू लिखना चाहिए, ये सब चीज़ां जड़ियाँ आ सामने आनिया चाहिए आ। तो मैं कलम आजमाने की कोशिश की, पढ़ती, क्योंकि पढ़न का मेरा सरोकार शुरू तो चलता ही रहा नाल 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 नाल। फिर जो मैं साहित्यिक ते असाहित्यिक चीज़ों का पता लगन लगा तो फिर मैं लगन लगा कि वह जड़ा मैं पहला कूड़कबाड़ी पढ़िया इन्ने चिर तो असली तो मैं हूँ पढ़िया आ। भी उस तो बाद जो मैं साहित्यिक रचनावान पढ़न लग पी, पहला शुरुआत में सारे जिदा मतलब मेरी वो राध सेरे मैडम थे उन्होंने कहा दिलीप कौर टिवाणा होर पढ़ो, तुम कंवल होर पढ़ो, तुम सारे तो तुम पता लगेगा भी किदा कि साहित की है। तो ये चलंत जड़ियाँ चीज़ा जड़ियाँ तुसी पहला पढ़िया आ उन्होंने तुम्हें फर्क अपने आप महसूस होना शुरू हो जाना, फिर तुसी कहना है कि वो नहीं मैं पढ़ना आ पढ़ना आ। फिर इस तरह ही होया जो हौली हौली चीज़ा समझ आने लगियाँ तो लगा कि नहीं। फिर हूँ कभी मतलब जो सोचती हाँ तो सोचती हाँ भी कि टाइम वेस्ट किया उदों, पर नहीं इदा ही होना सीगा। मैनू लगता भी ये जिहड़ी चेटक लगनी सी वो इदा ही अगे जाके वो चीज़ा जड़ियाँ आ वो फिर उन्होंने मैं कंपेयर करना सीख गई भी वो चीज़ा जड़ियाँ आ सिर्फ किसी पाठक नू सिर्फ टाइमली उत्तेजना दिंदियां आ, पर साहित्य जिहड़ा हैगा आ वो बहुत कुछ सोचण ते मजबूर करदा आ सानू। तो जिद्दां जिद्दां फिर मेरे अनुभव हुंदे गए तो मैं फिर लिखना शुरू किया। सिरजना दा सफ़र जिहड़ा मेरा शुरू होया जिद्दां मैं दस्या कि पहला मैं पढ़िया बहुत है, असल दे विच इन्ना ज़्यादा मैं पढ़न ते बहुत ज़्यादा बहुत तरह के रसाले साढ़े घर आते रहे, बहुत आते हुण भी आते हैं, मतलब बहुत सारिया किताबां मैं जिथे जाना किताबां खरीद के लैके आनियाँ, कहानियां, नावल, सारा कुछ, कविता, जो भी मैं चंगा लगना, जो भी मैं पढ़ती सी अखबारों के जिदा भी मैं जो मेरी पसंद की चीज़ होंगी सी मैं हमेशा खरीद के लिया के पढ़ लैनी। मैं तो जो अनुभव होंगे गए तो मैं इदा लगन लगा कि मेरे अंदर भी कुछ हैगा आ,
मैं भी कुछ लिख सकती हाँ। जो समकालीन च लिखिया जा रहा सीगा उनू समझिया मैं पहला एकदम नहीं मैं लिखना शुरू किया। मतलब मैं इदा लगता है कि किसी भी कोई भी लेखक जिहड़ा हैगा आ जब तक वह पढ़ता नहीं है उद तक वह कुछ उच्च पाए की रचना करन दे नहीं काबिल हुंदा हैगा, या फिर वह जे लिखता भी है तो बहुत थोड़े जे एक्सपीरियंसिस जड़े उन्होंने होंगे आ वह फिर वह विराम लग जाता है। तो जिहड़ा मैं पढ़िया सीगा बहुत सारा पहला साहित्य पढ़िया जिन्ना भी मैं उन्हें मैनू लिखण दे विच अगे आ के मैनू बहुत हैल्प किया। तो जदों मैं लिखण लई पेन चुकिया बहुत सारे इन्ना सारा मेरे कोल चीज़ां इन्नियां ज़्यादा सीगियां कि मैनू इदां लगदा सीगा कि मैं बहुत कुछ लिख देना है। मतलब उछल उछल के चीज़ां आउंदियां सी घटनावां होर सब चीज़ां, पर जो मैं लिखना शुरू किया क्योंकि लिख मैं इन्ना सारे रसालियां मैगजीन दे विच आर्टिकल भी पढ़ती रही हाँ, कहानियां नावल कवितावां भी पढ़ती रही हाँ, तो इन्नी कु सोझी मैनू जरूर हो गई सीगी कि लिखण नालों की नहीं लिखना, तुसी की नहीं लिखना ये जरूर तुहानू पता होना चाहिए है। इस चीज़ ने मैनू बहुत हैल्प की, इस चीज़ ने मैनू मैनू खुद अपनी लिखत नू ही उनू एडिट करना सिखाया। मतलब मैं जिदा कहनी हाँ ना कि मेरे को बहुत कुछ सीगा लिखण नू, भी जे मैं 15 पेज लिखती सीगी तो उस तो बाद जो मैं एडिट करती सी कि मैनू लगता सीगा कि नहीं ये फालतू है, नहीं ये अक्षर इत्थे नहीं अच्छा लगता, ये एस्थेटिकली चीज़ा इत्थे नहीं चंगियां लगदियां, ये नाल सोझ नहीं उत्पन्न हो रहा हैगा, उनू मैं साइड ते कर दिंदी सीगी ते 15 दे मैं 5 पेज रहण दिंदी सीगी। तो इदा मैं एक सब तो पहली जिहड़ी कहानी लिखी अपने आप ही लिखी, किसी नूं नहीं पढ़ाई, लिख के कट वड करके तो मैं सिर्फ तो सब तो पहला मैं अपनी कोई भी रचना जिहड़ी है मेरे हसबेंड नूं पढ़ाउनी आ ते उन्हां नाल डिस्कस करदी आ। मेरे हसबेंड बेशक सीधे तौर पर साहित्य नाल नहीं जुड़े हुए, मेरे करके ही उन्हां नूं थोड़ा बहुत जिन्ना भी साहित्य दा हैगा जो मैं कह दिंदी हाँ उही वह पढ़ लैंदे आ, पर जदों वो पढ़ते हैं तो अपनी राय जिहड़ी आ एक मैं एक आम पाठक की राय वांगू उन्हां दी राय नूं लैंदी आ कि जदों ये मेरी रचना किसी आम पाठक कोल जाऊगी तो उहदा की रिएक्शन होएगा वो दस दिया मैनूं। तो मैं कहानी लिखी शीशे विचला आदमी 2007 विच मैं कहानी लिखी। मैं किसी नूं भी उदों तक जानदी नहीं सीगी, परसनली मैं किसी नूं कदी अज तक किसी राइटर नूं नहीं मिली सीगी, किसी एडिटर नूं नहीं मिली। मैगजीन साडे घर जरूर आउंदे सी, मैनूं पता सी लकीर मैगजीन उदों प्रेम प्रकाश होरी कढ़दे सीगे, ते बाद विच इह काली होरां दे कोल गया ते मैं कहानी लिख के उत्थों एड्रैस चक्किया उत्थे उहनां नूं पोस्ट कर दित्ता मैं। ते मैनूं थोड़े दिन ना भुल भल गया, मैं क्या इन्नी दुनिया लिखदी है पता नहीं उन्हां दे ज़हन च आएगा मेरी मेल खोलणगे कि नहीं, पर 7-8 दिन बाद उन्हां दा ना फोन आ गया मैनूं। ते मैं एक गल होर इहदे विच दसना चाहनी हाँ कि मैं जदों पहली कहानी लिखी मैनूं डर लगदा सीगा ते मैं फेक नाम नाल कहानी भेजी उन्हां नूं, पर वह तो फिर बाबे सीगे इन्ने दुनिया उन्होंने करी इन्ना साहित्य रचिया तो उन्होंने एकदम पता लग गया कि यदा नाम फेक है कुछ मैं हूँ एग्जैक्टली याद नहीं मैं की नाम लिखा से उन्होंने फोन करके पूछया। सब तो पहला उन्होंने ये पूछया भी जिहड़ी तुसीं कहानी भेजी है ये मैं पढ़ ली है तो मैंने कहानी तुहाडी बहुत चंगी लगी है तो मैं आने वाले अंक दे विच तुहाडी कहानी लाऊंगा, तो तुसीं ये दसो भी आ नाम तुहाडा असली है। मैनू हासा आ गया, मैं क्या मतलब की मतलब तुहाडा भी मैं मेरा ही नाम है, नहीं कहिंदे लगदा नहीं गा तुहाडा असली नाम है तुसीं अपने असली नाम नाल ही कहानी कहिंदा मैनू भेजो। मैं थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस की तो मैं बड़ी उन्हां दी कायल भी हुई कि उन्हां दा किन्ना एक्सपीरियंस होएगा जिहड़े मैनू कदी भी नहीं मिले कुछ भी नहीं है तो उन्होंने ये पता लग गया कि ये नाम जिहड़ा आ फेक है। फिर मैं अपना नाम जिहड़ा आ वो लिख के भेजा तृप्ता के सिंह, उदों ही फिर मैं रखिया। मेरे हसबेंड कुलवंत सिंह हैगे आ क्योंकि उन्होंने मैनूं बहुत हमेशा ही मैनूं सपोर्ट किया है पढ़न च लिखन च हर एक चीज़ दे विच, ते मेरा नाम जिहड़ा आ तृप्ता के सिंह है। बहुत वारी शुरुआत दे विच लोगों नूं ये लगता सी कि बंदा है कि बंदी है, सिंह पिछे लगा हुआ है तो मतलब कन्फ्यूज़ हो जाते सी लोग। ते ओ फिर मेरी कहानी वो छपी 2007 विच, ते उस तो बाद अगले अंक दे विच बहुत सारियां चिट्ठियां छपियां, बहुत चिट्ठियां मतलब कहानी दी प्रशंसा दे विच आईयां ते मैनूं बड़ा चंगा लगा कि भी पहली कहानी है ते ओ पाठकां दे विच परवान हुई है ते वधिया लगा।
फिर उस तो बाद दूसरी कहानी मेरी जिहड़ी है वह कहानी धारा दे विच छपी सी भगवंत रसूलपुरी होर ने, मतलब कि वह कहानी जिहड़ी उन्होंने छापी। तीसरी कहानी मेरी मतलब साहित्य का एक बहुत वड्डा मैगजीन जिहड़ा साहित्यक मैगजीन है सिरजना, रघुवीर सिंह सिरजना बड़े बड़े कहानीकारां दीआं कहानियां वापस कर देंदे रहे हैं और मैनू बहुत माण महसूस हुंदा है कि मेरी तीसरी कहानी सिरजना च छपी और एडिटर ने नोट लगा के कहानी वह छापी। बहुत वह कहानी चर्चा च रही, बहुत लंबा समा उस कहानी की चर्चा हुंदी रही। सुपने ज्यो संसार कहानी दे टाइटल दे नालो छपी सीगी, बोल्ड कहानी सीगी वह, पर वो इस तरह की कहानी सी, उहदे विच एक भी शब्द जिहड़ा है तुहानू वो नहीं मिलेगा कि वह बोल्ड है। तीन कु सफ़ियां की वह कहानी सीगी, पर औरत मन दियाँ जड़ियाँ गुंजलाया वह की सोचती है, किदा वो एक औरत उम्र विहा चुकी औरत की वह कहानी सीगी जिहदा विआह नहीं हो रहा सीगा, ते उहदियां जरूरतां जड़ियाँ हैगियां आ वह उस कहानी दे विच दर्शाईयां गईयां सीगियां। पर मैनू उन्होंने शाबाशी भी दित्ती, मैनू मेल भी की उन्होंने कि बहुत अच्छी कहानी है बहुत। तो अच्छा उदों उस तीसरी कहानी नाल लोगों ने मैनू लभना शुरू कर दिता भी ये बंदे ने कहानी लिखी है कि बंदी ने लिखी है। लाल सिंह है गया दसूआ तो कहानीकार, उस तो बाद मैनू मिले तो उन्होंने मैं उचेचे तौर पर दसिया, कहिंदे कि मैं तो कहानी पढ़ी ना, कहिंदे मैं रघुवीर सिंह सिरजना उन्होंने फोन किया भी आ कहानी लिखी किने है, कहिंदे उन्होंने मैं जवाब दिता लै तैनू नहीं पता तेरे शहर की हुई तो हैगी है कुड़ी है ना। अच्छा कहिंदे, कहिंदे मैं सोचा या तो फिर महानगर च रहिंदी होनी है बंबे दिल्ली, तो कहिंदी मेरे शहर च ही रहिंदे, तो वो बड़े खुश होए कि साढ़े नेड़े भी कोई इन्ना अच्छा कोई लिखन वाला हैगा। फिर उन्होंने भी मैनू फोन किया, तो उस कहानी तो बाद मैनू साहित्यिक हल्कियां दे विच पहचानिया जाण लग पिया कि हाँ भी उनका आलोचकां ने भी उस कहानी का बहुत नोटिस लिया। उस तो बाद लगातार पांच कहानियां मेरिया जड़ियाँ सिरजना दे विच बैक टू बैक छपियां और बहुत दूर दूर तक उन्हां दी चर्चा हुई। अगली कहानी दे विच भी स्पैशल एक नोट लगा के, एडिटर दा नोट लगना बहुत वड्डी गल हुंदी है किसी भी राइटर लई कि राइटर खुद जिम्मेदार, एडिटर खुद जिम्मेदारी लै रहे हैं कि हाँ भी ये जे कहानी मैं छाप रहा हाँ, तो उहदे पिछे एवज आया कि हाँ भी ठीक है। उस तो बाद फिर अलग अलग मैगजीनस दे विच मेरियां कहानियां, अलग अलग प्रवचन च मेरी कहानी छपी, फिर शब्द विच एक कहानी मेरी छपी सी, फिर 2012 दे विच मेरी हुण मैगजीन दे विच एक कहानी आउंदी आ एक दिन, एक दिन तक छपन तक मैनू लोग एक राइटर दे तौर ते जानन लग पे सीगे, क्रिटिक्स जिहड़े हैगे आ ओह वी मेरी कहानी दा नोटिस लैन लग गए, ते मैनू मतलब बहुत ज़्यादा पढ़िया जाण लग पिया, मैनू पुछया जाण लग पिया कि हाँ भी कौन है। हाले तक उदों तक मेरी कोई किताब मतलब मेरी नहीं आई, मेरी छेवीं या सत्तवीं कहानी होएगी एक दिन जिहड़ी सीगी। एक दिन कहानी बहुत ज़्यादा चर्चा च रही है, हुण च छपी है और मतलब मैं तुहानू दस नहीं सकती भी कित्थों कित्थों तक, अज तक भी 2012 तो बाद अज तक भी उस कहानी की जिहड़ी है वह चर्चा हुंदी है। बहुत लंबा उस कहानी का मतलब मैनू लगता है कि वह जिदा कह लो कि उहदा सफ़र जिहड़ा आ जारी है तो रहेगा, काफ़ी दूर तक वो जाती रहेगी कहानी। रीसेंटली हुण शब्द मैगजीन दे विच 2021 दियां जिहड़ियां हैगियां आ 20 साल दियां पिछलियां जिहड़ियां बेस्ट कहानियां ते उन्होंने करवाया चर्चा, ते उहदे विच डॉक्टर तनवंत कौर होरां ने उहदे ते काफ़ी लंबा चौड़ा उस इक्को ही कहानी दे उत्ते आर्टिकल लिख के वो तो पाया भी उहदियां अलग अलग डायमेंशनस कीहड़ियां आ, औरत मन दियां गुंझलां किस तरह दियां आ, औरत असल च चाहुंदी की है। बहुत वारी असी वेमेन लिबरेशन दियां गल्लां करदे हाँ पर मैं औरत होण करके मैं समझ सकती हाँ कि जिहड़ियां गल्लां जां असी जिहड़े नारे लाउने हैगे हाँ औरत लिबरेशन दे वेमेन लिबरेशन दे वह बहुत हट के चीज़ है, वह मर्दां दी बराबरी करनी या उस तो अगे निकल जाना ये सब उस कहानी दे विच ये सब चीज़ां इदां नहीं हैगियां भी वो कहानी दी पात्र नारा नहीं लाउंदी कोई भी, पर वह अपनी गल इदा इन्ने वो तरीके नाल दसदी आ अपने हसबेंड नूं। ते कमाल दी गल ये है कि हसबेंड उहदी छोटी जी डिमांड सुन के ही मतलब डिस्टर्ब हो जांदा आ कि मेरी वाइफ जिहड़ी आ वो इस तरह भी सोचदी आ, मैं हर एक चीज़ उहनूं प्रोवाइड करदा आ, मैं हर एक चीज़ उहनूं लिया के दिंदा आ, कपड़े लत्ते गहने, अच्छा हसबेंड होर इहनूं की चाहीदा आ।
मतलब वो डिमांड दसदी आ बर्थडे ते कि मैनूं चाहीदा की आ, बहुत छोटी जी गल है, ते वो चिट्ठी लिख के दिंदी आ उहनूं, दफ्तर च जाके पढ़दा आ चिट्ठी ते डिस्टर्ब हो जांदा आ कि ये की इहदे दिमाग च चलण डिया आ, बार बार सारियां चीज़ां हौली हौली सोचदा आ कि मतलब इहदा होर तां नहीं कितें संबंध, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿਉਂ, ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਮਰਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਵੀ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਨੈਨੀਤਾਲ, ਨੈਨੀਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਮਨਾਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਤੈਨੂੰ VCR ਲਿਆਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਲਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਸ VCR 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀ, VCR ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਗਹਿਣੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਆਰੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੰਗੂਤ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਫਿਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵੀ ਕਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ? 2 ਕੁ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਫਿਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗਿਫਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਡੱਬੀ ਜੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੇਰਾ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਕਾ ਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਗਿਫਟ ਲੈ। ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨੱਥ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ,
मैं नक च पाया कोका लाए नूं भी इन्ने साल हो गए आ, मेरे नक का छेद भी बंद हो चुका है, तुसीं कदी देखिया ही नहीं मैनू, मैं किदां पालवां नत्त। वह डब्बी बंद करके कहिंदी इह जिथे बाकी गहने रखे आ ना मैं उत्थे इहनूं भी रखी आउंदी आ, मैं चाह बना के लियानी हाँ। बड़े आराम नाल वह जाती है तो वह होर ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता अंदरों कि अच्छा ये मतलब ना, फिर चिट्ठी कढ़ के पढ़ता है भी लिखा है की आ। वह कहते मैं कुछ नहीं चाहिए बर्थडे पर, मैं सिर्फ ना एक दिन चाहिए आ, एक दिन इदा का दिन जदों मैं सिर्फ आशु होवं, वह नाम आशु हों, मैं ना तेरी वाइफ होव, ना मैं किसी की नूँह होव, ना मैं किसी की धी होव, ना मैं किसी की माँ होव, मैं सिर्फ तो सिर्फ आशु होव। एक दिन मैं अपनी मर्जी नाल गुजारना चाहनी हाँ, तो उस दिन बारे तू सारी उम्र मेरे तो पुछेगा नहीं भी मैं किदा गुजारिया, कितने गुजारिया, किमें गुजारिया। बस ये गल उन्होंने डिस्टर्ब करती है, जबकि वह औरत बहुत अच्छी आ, बहुत वधिया आ, सारा कुछ ही आ, पर एक दिन वो एक दिन पूरी दुनिया दीआं औरतां दा एक दिन है जिहड़ा उन्होंने नहीं मिल रहा। उन्होंने सब कुछ मिल रहा है, कोई आर्थिक मसला नहीं है, कोई घरेलू मसला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, एक स्वै का मसला आ, एक होंद का मसला आ कि मेरी अपनी भी कोई होंद हैगी है, कि सारिया चीज़ा वो जड़िया है वह मैनू करवाइया जा रही है, मैनू हदायत दिती जा रही है, वो सब चीज़ा जड़िया है वो बस वो जो चाह बना जाती है तो सोफे के पिछे वो चिट्ठी मसल के सुट दिता है। मीनस कि हाले भी मर्द प्रधान समाज के औरत की स्वै न जड़ा वह मर्द जड़ा वो नहीं मनता, नहीं देना चाहता वह जरा बनता हक है, वो होंद न जड़ा वो कबूल नहीं करना चाहता। पितरी सत्ता हाले तक भी साढ़े समाज के इन्नी कहावी है कि जेडे कपल सू एक आइडियल कपल लगते हैं वह या तो एडजस्टमेंटा करते हैं या कुछ भी है, इस तरह दीज़ा आ कि सारा कुछ होने के बावजूद भी जो ते उत्ते एक दाबा रहा वो भावें वह दिसदा आ भावें नहीं दिसदा पर मौजूद है। वह बस इस कहानी का यही कमाल है, यही हासिल है कि औरत मन दियाँ जड़ियाँ बारीकियाँ है उन्होंने जड़ा वो इन्ने कलात्मक ढंग नाल पेश मेरे को हो गया कह लो। मैं नहीं कहती कि मैं ये मैनू लगता है कि अच्छा इन्नी चर्चा हुई है इस कहानी की, सब लोगों को इन्नी पसंद आई है या ते, पर पता नहीं मैनू नहीं लगता मेरे को किदा लिखी गई है, मैनू खुद नहीं समझ लगती, पर बहुत उन्हों कहानी नूं सलाया गया है। उस तो बाद होर भी बहुत सारिया कहानियां मैं लिखिया आ, पर बहुत लंबा समा मैं कहानियां लिखती गई। फिर सज्जना मित्रां दा साहित्यकारां दा भी दायरा जिहड़ा वधदा गया, बहुत सारे साहित्यकार मेरे नाल जुड़े या मैं बहुतियां नाल जुड़ी जिहड़े मेरियां कहानियां नूं पढ़दे सी पसंद करदे सी, और फिर मैनूं बार बार सारे कहिंदे सीगे कि तुसीं अपनी किताब जरूर छपवाओ। इकट्ठ विच जरा प्रभाव पैंदा है कहानियां दा, वह कल्लियां कल्लियां दा नहीं पैंदा, मेरे दिमाग च कदी नहीं आई क्योंकि किताब छपाउणा कई बार ये हुंदा है कि कई लोग बहुत काली करते हैं किताब छपवाउण दे विच कि कई बार कईयां नूं जरूरत हुंदी है या डिपार्टमेंटल जरूरतां हुंदियां है या किसी ने कुछ तरक्की प्रमोशन दे विच शायद लोड़ पैंदी है या कईयां नूं वैसे ही बहुत ज़्यादा काली हुंदी है, पर मेरे च ये काली कदी भी नहीं रही। सहज मेरे च शुरू तो ही जिदा मैं तुहानूं दस्या सहज रहा है, मेरे दे विच सहजे सहजे मैं ये सारे जिहड़े काम हैगे आ उह करदी रही हाँ। तो 2007 विच मैं पहली कहानी लिखदी हाँ, तो लंबा समा मैं कहानियां लिखदी, साल च एक या वध तो वध किसी एक साल च मैं दो कहानियां लिखिया होणगियां, नहीं तो मैं साल च इक्को ही कहानी नूं लै के उन्हूं कट वड करके एडिट करके उन्हूं छोटा करना, फालतू नूं कटना रखना, बस उन्हूं सांभ सांभ के रखदी रहनी हाँ। ते उस तो बाद फिर 2019 दे विच मेरी जड़ी है वो कहानियां दी किताब जड़ी है आउंदी आ एक दिन टाइटल दे नाल। उहदे पिछे भी ये कहानी ये है कि मैं तो नहीं चाहती सी, मैं पहला जो भी मैंनू कोई पुछदा हुंदा सीगा भी तू साडी किताब कदों आनी है, मैं कहा जदों कोई मुफ्त च छाप दूंगा मैं यही कहती हमेशा ही, जदों किसी ने पुछना किसी ने इंटरव्यू पुछना कि तुहाडी किताब नहीं आ रही, तुहाडियां कहानियां बहुत आ गईयां अलग अलग मैगजीन च तुसीं चर्चा च रहिंदे हो, तुहाडियां कहानियां बहुत चर्चित रहिंदियां आ, पाठकां दा घेरा जिहड़ा बहुत वसीह हो गया, बहुत दूर दूर तक फैलिया आ,
मैं क्या नहीं, मैं कहानी बहुत सारे लोग है ना किताब, पहली किताब खास करके उदो पैसे खर्च के ही छपवाते। साढ़े ये ट्रेंड आ पंजाबी दे विच पई पैसे खर्च के किताब जड़ी है वो छापी जाती है। पर मैनू खुद ते भरोसा सीगा, मैनू अपनी लेखनी ते भी इन्ना क भरोसा जरूर सीगा कि मैनू कोई ना कोई संपादक जड़ा है वो मिल जाएगा जड़ा मेरी किताब छापूगा, और उदो ही छपवानी जदों कहूगा कि नहीं पैसे नहीं लगनगे। इहदा मतलब ये नहीं है कि मेरे को पैसे नहीं सीगे, मैं जॉब कर रही हाँ अच्छा कमा रही हाँ, पर मेरे मन च ये सीगी कि मैनू मेरी कहानी नू एक्नोलेज किया जाए उदा, ते इस करके फिर डॉक्टर करमजीत होरां दा मेरी किताब दे होंद आन च बहुत वड्डा हाथ हैगा आ। उन्होंने मैनू कहा कि नहीं किताब आनी चाहिए है, ते भी तुसी फिक्र ना करो, तुसी खरड़ा मैनू दे दिओ, बाकी सारा मेरा काम। ते अच्छा वो भी साल 1.5 साल बस मैं इधर उधर करती गई कि कोई नहीं छप जाएगी, मैंने कहा इन्नी लोड़ है नहीं, कहते तो नहीं लोड़ हैगी पर तुहाडे पाठकों शायद किताब की जरूरत होए। तो उन्होंने फिर ये किताब जी है सप्तऋषि ऋषि पब्लीकेशन वाले ने, मेरे को कोई उन्होंने पैसा नहीं लिया, तो उन्होंने किताब छापी है, आप ही डिस्ट्रीब्यूट की, बहुत दूर दूर तक किताब गई तो चर्चा होया। फिर टहा अवार्ड वास्ते मैं मेरी वो किताब उन्होंने भेजी, तो वो पहली जी 10 किताबों के नॉमीनेट किया गया सीगा। तो उस साल 2020 के इसी किताब नूं दलबीर चेतन अवार्ड के नाल भी सम्मानित किया गया। तो किताब काफ़ी पढ़ते आ बच्चों के कॉलेजों से फोन आते रहते हैं, कई कहें कि असं ये एम फिल करना चाहते हैं, मैं क्या मैनू इस चीज़ बारे कोई जानकारी नहीं है, तुम जो करना है करो, मैनू नहीं पता, मेरी पहली किताब है। बहुत बहुत सारे लोग हाले तो बहुत इन्ने पे है सीनियर है मेरे तो लिखन वाले है, पर 2-3 लड़के जड़े हैगे वो मेरी इसी किताब के उत्ते अलग अलग यूनिवर्सिटी तो एम फिल का कार्य जड़ा है वो करते पे हैं। तो बस इदा चली जाता है, मैनू लिखना चंगा लगता है, पढ़ना भी चंगा लगता है। समकालीन जड़े मेरे लिखन वाले है औरत या मर्द लेखक है उन्होंने भी मैं उचेचे तौर पर पढ़ती रहनी हाँ। जतेंद्र हांस है, सरगी है, दीप्ति बबूटा है, बलबीर कौर रीहल है, अरविंदर कौर है, बहुत होर सर नवे जड़े लिखन वाले है जड़े मैनू प्रभावित करते हैं, जिन्हों की लिखनी मैनू चंगी लगती है कि मैं इन्हों पढ़ा उचेचे तौर पर लभ के पढ़ा। तो मैं बस पढ़ती रहनी हाँ, तो बिच बिच कदी कदी दिल करता है तो कोई कहानी छो लैनी हाँ, पर मैनू ये पता हुंदा है भी एड्डी जल्दी कंप्लीट होने वाली नहीं है। तो इदा चलता रहता काम दूर दूर तक, जिदा हुण थोड़े दिन पहले ही पाकिस्तान तो एक साहित्य सभा हैगी, उन्होंने मैनू स्पैशली फोन करके कहा कि तुसी साडी सभा नूं विच आओ ते तुसी कहानी पढ़ो। मैं उत्थे अपनी कहानी पढ़ी है जड़ी कविता कवि ते मैं, ते उदे ते उधरले अदीबा ने बहुत चंगा नोटिस लिता, उन्होंने चंगी बहस की, अद्धा पौना घंटा उन्होंने उदे ते गलबात की, कहानी ते कहानी दे हर नुक्ते ते गल की है, इस तरह सारा कुछ। टाइम टू टाइम जदों भी कितें कोई भी मतलब जदों भी जिन्हों पता लगता बुलाते हैं कि हाँ तुसी इत्थे आओ कहानी पढ़ो, तो फिर मैं जानी हाँ, मैनूं चंगा लगता है। तो बस चल ही जाता लिखन पढ़न का काम, चल ही जाता है। PhD का काम जिहड़ा मैं तुहानूं दस रही सी वह मेरा काफ़ी लंबा चलिया, तो पर वो एक मेरा अलग पैशन सीगा, मैं वो गल जरूर करना चाहनी हाँ तुहाडे नाल, क्योंकि शायद ये किसी होर दा भी नूं प्रेरित करे मेरी ये चीज़। क्योंकि मैं हैल्थ डिपार्टमेंट नाल संबंधित हाँ, मैं सेहत महकमे च काम करदी हाँ, तो PhD मैं पंजाबी MA दी कीती, उस तो बाद मैं लिटरेचर दे विच मैं PhD कर रही हाँ। तो उदों मैनूं बहुत रोकिया टोकिया गया कि ये की है इन्नी औखी पढ़ाई भी करनी, तो इहनूं तैनूं तो इहदा फायदा ही कोई नहीं होना, तेरे महकमे च तैनूं इहदा की फायदा होना आ। मैं क्या मैं PhD फायदे वास्ते नहीं कर रही, ये मेरा पैशन है, मेरा जनून है, मेरा दिल करता है कि मैं PhD करा, मैनूं इहदा कोई फायदा नहीं होना, इस गल नाल मैनूं भी है, पर मेरे कदी मेरे रहा सीगा कि मैं उचेरी जिहड़ी पढ़ाई है वो जरूर करा, तो ये मेरा अपना पैशन है। मैं 6 साल मैं लगाए उहदे विच, गुरदेव सिंह रुपाणा दीआं दे गल्प दे उत्ते मैं कीती है, बहुत जहीन लेखक हैगे उन्होंने भी मैं पढ़िया सारा, तो बहुत सूखम लिखन वाले, बहुत सोजात्मक लिखन वाले वो लेखक सीगे हैगे है, मतलब हुण भी लिख रहे हैं, वो गलबात उन्होंने नाल हुंदी रहिंदी है। तो उहदे ते मेरा सीगा मतलब ये है कि मैं ये गल भी दसना चाहनी हाँ कि जिहड़ी मेरी PhD है वो मेरी 45-48 साल की उम्र च जाके कंप्लीट हुई है। तो
ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਨਰਿਚ ਕੀਤਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਨੇਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਫੀਮੇਲ ਰਾਈਟਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਆ ਉਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੁਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਤਰ 'ਚ ਆ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬੋਲਡ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੋਏ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਏ, ਨੋਵਲ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਬਸ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੋਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। Mm-hmm.